बच्चों अब आप KG 1 से KG 2 क्लास में आ गए हैं, तो आपको पता है आपको हिंदी की पढ़ाई किस बुक से करनी है। चलिए मैं बताती हूँ। ये रही आपकी हिंदी की बुक शब्द समझ, आपको इसी बुक से पढ़ाई करनी है। आप सब मेरे साथ बोलिए, ये है हमारे स्वर अ आ इ छतरी छतरी हमें बारिश और धूप से बचाती है। ज
जैसे जग, जग में हम क्या भरते हैं, पानी और जूस। झ, जैसे झंडा, ये हमारे भारत का राष्ट्रीय तिरंगा झंडा। फिर आता है इया, इया होता है एक आधा अनुस्वार। आपने पहले इंगा पढ़ा ना, जो कि एक पूर्ण अनुस्वार होता है, लेकिन ये आधा अनुस्वार होता है। इसे भी शब्दों के ऊपर चंद बिंदी के रूप में लगाते हैं और शब्दों को नया रूप मिलता है, क्योंकि इससे कोई शब्द नहीं बनता है, इसलिए इसे चंद बिंदी के रूप में लगाया जाता है। जैसे छ के ऊपर इया द चांद, ग के ऊपर इया व गांव, इस तरह से इया का उपयोग किया जाता है। ट, ट से ठेले पर सामान रखकर ले जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक। त, ड से डफली, गाना सुना है आपने डफली वाले, डफली बजा। ध, ध से ढोलक, ढोलक कैसे बजती है, ढक ढक। ण, अभी आपने पढ़ा ना इंगा और इया, उसके बाद आता है ण। इससे भी कोई शब्द नहीं बनता है, लेकिन इसे शब्द के अंत में या मध्य में लगाते हैं और शब्दों को बनाने में हमें मदद मिलती है। बच्चों आपने अपना राष्ट्रगान सुना है जन गण मन, तो गण शब्द में जोड़ा आया है, ये वही ना है। त, त से तरबूज, लाल लाल मीठा मीठा तरबूज। थ, थ से थर्मस, थर्मस हमें सभी चीजों को गर्म रखता है। द, द से दवात, दवात में स्याही होती है। ध, ध से धनुष बाण, नल से हमें क्या मिलता है, पानी। प, प से पतंग, पतंग उड़ाना पसंद है ना। फ, फ से फल, फल हमें हेल्दी रखते हैं इसलिए हमें फल खाना चाहिए। ब, भ से बतख। भ, भ से भालू, भ से भालू। म, म से मछली, बनाओ बच्चों मछली। या, या से यज्ञ, यज्ञ एक तरह की पूजा होती है। र, र से रस्सी, ये रही रस्सी जो कि सामान लाने के काम आती है। ल, र से लट्टू, लट्टू खेलना पसंद है ना। व, व से वीणा, व से वीणा। श, श से शंख, शंख पूजा के समय बजाया जाता है। श, श से षटकोण, षटकोण में छह कोने होते हैं। स, स से सूरज, सूरज हमें रोशनी और गर्मी देता है। ह, ह से हाथी, ये रहा हाथी। छ, छ से छत्री, छत्री होते हैं वीर सिपाही, पुराने समय में ये देश की रक्षा के लिए युद्ध किया करते थे। त्र, त्र से त्रिशूल, आपने भगवान जी के हाथों में देखा है ना त्रिशूल। ज्ञ, ज्ञ से ज्ञानी। बच्चों ये रहे हमारे व्यंजन, क कबूतर से ज्ञ ज्ञानी तक, आपने इसमें चित्रों के माध्यम से देखे। चलिए अब मैं आपको होमवर्क देती हूँ, ये रहा आपकी बुक का पेज नंबर 7। आपको इसे पहले शुरू से आखिरी तक पढ़ना है सारे स्वर और व्यंजनों को, उसके बाद आपके बुक में है पेज नंबर 8। ये रहा आपका पेज नंबर 8, यहाँ आपको सभी स्वर और व्यंजनों को लिखना है। बच्चों अभी आपने देखा पेज नंबर 7 जिसमें सभी स्वर और व्यंजन लिखे हुए थे। बच्चों अभी आपने देखा पेज नंबर 7 जिसमें सभी स्वर और व्यंजन लिखे हुए थे, आपको वहां से पढ़ना है और उन्हें याद करना है। वैसे तो आप पढ़ चुके हैं केजी वन में, तो आपको याद होंगे, तो आपको इन्हें यहाँ पर लिखना है। ये है आपका होमवर्क, तो आप सब इसे अपनी कॉपी में अच्छे से लिखेंगे और साथ ही साथ आपकी बुक में पेज नंबर 8 पर भी होमवर्क करना है। चलिए अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए घर पर रहिए,